फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन उतारूंगा। उतारिए। नाउ ये जो आप देख रहे हो x का पावर 4, मान लीजिए 9 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो 3 देंगे। कैसे किया? 9 है ये तो इजी था, तो 3 का स्क्वायर समझ के 9 होगा। मान लीजिए जिसको नहीं आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 9 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कर देगा। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 को लिख सकते 3 × 3, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, 2 3 है तो 1 से निकलेगा, ठीक है। अगर ऐसे है इसका निकलेगा, इसका करेगा मान लीजिए वर्गमूल, तो ये 2 है यहाँ भी 2 है, एक जैसा रहना चाहिए, 2 है तो यहाँ भी 2, 3 है तो यहाँ भी 3, तो कर जाएगा तो एक्स बचा, यानी कि एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा और इसका मतलब यहाँ पे क्या देंगे कि स्क्वायर करने पा जाएगा, जिसका आएगा तो वो तो यहाँ पे स्क्वायर दे देगा, तब ना 2 × 4 हो गया, नहीं आएगा तो फिर वही बात यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कर देगा, ठीक है। ऐसे 2 तो यहाँ पे छुपा हुआ है तो अभी नहीं काट सकते आप, क्योंकि ये 4 है 2 है, एक जैसा रहेगा तब तो वो क्या करेगा कि इसको 4 बार लिखेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और वर्गमूल में पेयर लगता है, जोड़ा लगता है युग्म, तो ये 2 × 2 मतलब 2 × x है तो 1 × x, फिर 2 × x है तो 1 × x, और गुना में बराबर जुड़ता है तो 2 × x है तो 1 × x, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 2 होगा, ठीक है 2 हुआ। फिर इसको तोड़ेंगे 1 बार और ये 2 बार, 2 × x है तो 1 × x, 2 × 2 = 4, तो वापस ये बोला गया ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ रहेगा ना इस टाइप का, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो आप क्या करना है इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट करना, तो जितना वर्गमूल होगा इसका स्क्वायर रूट होगा, उसको यहाँ पे रखोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, मुद्दा ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्वायर दे सकते हो, देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स, 2 × 2 = 4। नाउ इसे आप थोड़ा सा कंपेयर करो इससे, ठीक है, किससे, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज करते होगे अगर आप अच्छे खासे स्टूडेंट होगे तो, कि 2 है 2 तो ए स्क्वायर तो सर समझ के रिलेट कर लेंगे इसको, बी स्क्वायर का भी इसको रिलेट कर लेंगे, लेकिन 2 तो यहाँ पे है, ए बी भी समझ गए, लेकिन 2 तो इसमें कहाँ है, तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, इसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए इसका फॉर्मूला ये हो गया, प्लस 2 है फॉर्मूला में तो 2, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, ए ये ए यहाँ पर ए है तो ये वाला भी यहाँ पे ए है, ठीक है, तो एक जगह पर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, देखिए ये पूरा आपका ए हो गया, ये जो पूरा आपको ए हो गया, ठीक है, इसको ए स्क्वायर नहीं पढ़ना, पूरा ए स्क्वायर तो यहाँ है ना। चलिए तो फिर 2a एक जगह पर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, देखिए 2a भी हुआ ना, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, गुना गुना, तो आप या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात हुआ, ठीक। अच्छा गुना है, आपको इतना घसना नहीं है, ठीक है। फिर बी, तब बी देखिए, तो बी तो लास्ट में ना बी स्क्वायर, तो यहाँ भी लास्ट में तो वाई का पावर 4, तो वाई का पावर 4 है तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये 2, तो अब देखिए नीचे वाले को तोड़िए, ऊपर का आ गया था आपका सवाल सही नहीं तो गलत, देखिए एक्स तो एक्स, 2 × 2 = 4, फिर वाई तो वाई, फिर यहाँ पे 2 है, 2 × 2 = 4, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये तो नहीं आया, तो ये है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसको तोड़िए तो ये आ गया, ठीक है, इसको जो गुना करेंगे 2x² y² ठीक है, फिर प्लस y का पावर 4, तो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कौन कर रहा है, डिस्टर्ब 2 कर रहा है, ठीक है 2 डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला से ये वाला तो मैच कर गया, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या हो यदि हम ऐसे करके यहाँ पे दे देंगे,
अब डिस्टर्ब नहीं करेगा कि यहां पे दे देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहां पर भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसलिए दिया। अब यहां पर टू एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है और ये वाला ऐसे करके, तो इससे हमको फायदा क्या पहुंचा कि इस लेन को अब हम तोड़ेंगे तो ये लेन आ जाएगा। पूछिए कैसे, प्लस है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस दो, और यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो दो में से एक गया तो एक नहीं भी देंगे तो चलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए आ गया है ना, आपका मर्जी, एक मन होगा तो दीजिए, नहीं मन होता तो नहीं दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, अब हम इस लेन को तोड़ेंगे तो ऊपर का आ गया, कैसे आ गया देखिए। अब आप तोड़िए, ये है एक्स, एक्स दो देना चार, प्लस तो प्लस, फिर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया, अच्छा प्लस वाई दो दोना चार, फिर इसको ऐसे करके उतार देंगे ठीक, और लाइक को एक जगह करेंगे, इसको एक जगह करेंगे, एक जगह करेंगे इससे, फिर इसको सैर कर देंगे, फिर देखिए इसको उतार देंगे, फिर दो माइनस यानी कि प्लस और माइनस माइनस दो में से एक गया तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक, यहाँ पे दोनों से बड़ा चिन्ह वही संख्या का प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई का पावर फोर। तो एक आप या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो एक साइलेंट है क्योंकि दोनों के बीच में फिर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक देखिए जैसे कि ए है, एक ए है, एक ही बात है क्योंकि एक है दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना एक, तो ए नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, मन होता है तो दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं दिया, बाकी एक एक यहाँ पे छुपा रहता है ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, क्लियर, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इतना दूर का बात करें, इतना दूर का बात करें, आपको घसना नहीं है इतना, इतना दूर का अगर बात करें तो ये तो सेम टू सेम सेट करके इस फॉर्मूला पर देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस देखिए प्लस टू ए बी, अब आप कन्फ्यूजन नहीं करते होंगे आई होप ठीक है, टू तो टू ए बी, तो यहाँ पे ए बी ए के जगह पर ये है ना पूरा है ना ये वाला ठीक है, तो इसलिए ए बी, तो बी तो लास्ट से लिया है, तो यहाँ बी फोर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वाला दे दिया, प्लस माइनस माइनस दो में से एक गया तो एक एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों से बढ़कर प्लस प्लस ऊपर का इसको तोड़ के ये आ गया, चलिए सही है ना। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो गया ए एक जगह पर दिया है, तो ये अंगूठा देखिए ये एक जगह पर है ठीक है, ए इसका बात नहीं करें, ये तो स्क्वायर हो गया ना, तो ए है ए, तो ए हो गया, ये ए हो गया पूरा ठीक है, ए प्लस बी टू ए बी ये पूरा का पूरा बी, तो बी ठीक है का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर घात है दो तो माइनस, फिर इसको ऐसे करके उतार देंगे ठीक है, ये तो इतना ही ना हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर इतना इतना, ये तो एक्स्ट्रा में हुआ ना, इसको तो उतारेंगे ना, आपको ऐसे लाल ब्लू पेन के ऐसे करके घसना नहीं है ठीक है, अच्छा ना हो इससे मैं ऐसे करके उतार दूंगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए एक्स वाई चाहिए, क्यों अभी मैंने बताया कि आपको अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है कि इस टाइप का रहेगा यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे क्या देंगे, अगर आप अच्छे खासे स्टूडेंट हो तब तो एक्स वाई हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डॉट हो रहा है तो आप इसको स्क्वायर रूट कर दो ठीक है, यहाँ पे तो छुपा हुआ है तो एक्स दो बार है, एक बार और ही दो बार, वाई भी दो बार, एक बार और दो बार, तो दो गो एक्स है तो एक एक्स, फिर गुना दो गो वाई है तो एक वाई, एक्स वाई का गुना करेंगे तो एक्स वाई, तो एक्स वाई हो गया, फिर एक्स दो बार तो एक्स दो बार, वाई दो बार तो वाई दो बार आराम से ठीक है, अच्छा जो भी आप ये किसके जैसा लग रहा है देखने में, ये देखिए ये कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ए हुआ, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया ए और ये बी, ये मैं अंगूठा देखिए ये देखिए ये जो अंगूठा हुआ ना ए और ये यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी, तो ये बी स्क्वायर तो यहाँ भी बी स्क्वायर ठीक है, आराम से मैच कर गया ना हो। अब कोष्ठक को भी आप बता सकते हो, या तो ये दे सकते हो या तो ये दे सकते हो, या तो ये दे सकते हो आपका मर्जी,
तो मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए ये देंगे फिर ये देंगे तो खराब लगेगा थोड़ा सा देखने में। मैं क्या करूँगा, या तो ये वाला या तो ये वाला दूंगा, तो मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे दे दिया। अब ए है तो ए के जगह पर ये अंगूठा वाला चीज दे देंगे, यही ना है अपने लोग का ए, यही ना ए है, तो ए के जगह पर ये दे देंगे, ठीक? फिर प्लस, तो प्लस बी, तो बी के जगह पर ये पूरा पूरा एक्स वाई बी। तो सर यहाँ तो क्वेश्चन में दिया, मेरा मर्जी, ठीक है? ये दो बात था, दो टर्म था इसलिए दिए, आपका मर्जी दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? नहीं तो नहीं दीजिए। अच्छा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? कोई भी ब्रैकेट दे सकते हैं, लेकिन इधर जो देंगे इधर भी वही देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? फिर इंटू, तो इंटू, फिर ए माइनस बी, यही वाला ए उठ के यहाँ गया, तो ये जो ए है यही वाला ए यहाँ भी आएगा, तो इससे दूसरे में ऐसी चीज उतार देंगे। अच्छा फिर यहाँ पर देखा माइनस, तो माइनस बी, तो बी के जगह पर ये वाला बी, वही ना, ये भी, ये भी एक ही ना हुआ, तो ये वाला यही ना यहाँ पर चिपका देंगे। अच्छा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अच्छा ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट से निकाल देंगे, ठीक? इसको ऐसे करके इसको निकाल देंगे। अब चाहो तो यहाँ पे आंसर कर दो, ठीक है? नहीं तो अगर चाहते हो कि नहीं, हम स्मॉल ब्रैकेट में जवाब देंगे, ठीक है? तो ठीक है स्मॉल ब्रैकेट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? या ये लेना आप स्किप करके इसके बाद डायरेक्ट ये कर दो, इसके बाद ये लेन छोड़ दो, यहाँ पे मेरा पेन रखा है ना वो वाला लेन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लेन स्किप कर दो। अच्छा ये सब नॉर्मल बात हुआ, आपने तो मैं गया तो थोड़ा बहुत ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए तीनों अनलाइक है ना, यानी कि बिजाती है ना, तीनों अलग अलग है ना, तो न जोर होगा ना घटा होगा, सब अलग अलग है ना, तो ये अपने लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया।